झारखंड सरकार की अलग अलग योजनाएं आई, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या गरीबों के लिए जो भी है राशन हो, अलग अलग चीज़ें हो, इसको लेकर सरकार ने एक सूचना जारी किया था कि जिनका अभी तक वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उनके लिए अलग अलग पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम एक मौजूद है पचरुखी पंचायत के माल डुबरिया गांव में, और ये घर आप देख सकते हैं, अमन आप घर दिखाइए पहले, ये पुआल का और सेठ का ये घर है, और ये घर कब लगभग 25 सालों से ये घर है और 25 सालों से ये घर है, और घर की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। लगातार घर वालों ने, वार्ड हो, पंचायत के मुखिया हो या अलग अलग जनप्रतिनिधि हो, सभी को उन्होंने शिकायत किया, लेकिन आज तक इनका कोई भी संज्ञान लेने नहीं आया। हमारे साथ इस घर के मेंबर हैं, घर के मालिक हैं, उनसे मालकिन है और मालिक है, उनसे हम जानते हैं कि किनके पास वो पहुंचे और क्या क्या समस्याएं इनके घर में है। दिक्कत हमारे घर का खाली कही रहे था। क्या बहाना करता है जब लेके जाते हैं कागज? इन साल ना पर साल बन जाता। अच्छा, कागज आप सब चीज दे दिए हैं? हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। नहीं, जब भी मंगल खन तब कागज दिए। बारिश होता है तो रहने में बहुत दिक्कत होता है, पूरा छूता है, आसपास पूरा जम पानी जम जाता है। उसको किए नहीं, कोई बात नहीं मानता। क्या बोलता है मुखिया जी? वही डेट पे डेट बढ़ा रहा है। कागज दिए हम लोग तो वो बोला क्या जो अगला बार हो जाएगा, तो अगला बार आने के लिए इंदिरा आवास आया, जिसका जिसका आया वो उसका हो गया ठीक। और हम लोग का भी फिर से दिए कागज, तो उसमें बोला क्या सो 20-30 हज़ार रुपया पैसा मांग रहा है। सो पहले पैसा मांगते मुखिया जी, तब बोले हैं कि आपका आवास हो जाएगा। पैसा बोल रहा है कि 20-30 हज़ार रुपया आपको देना ही पड़ेगा, तब आपका घर मिलेगा। और लोग का जो हुआ वो लोग पैसा भी दिए थे? घर का हालत खराब है, बस में एकदम रहने का जगह नहीं है। देखिए कैसा मेरा घर का स्थिति है, सबको दिखलाए हैं लेकिन कोई नहीं काम सुनता है। क्या समस्या है बाबा? समस्या यही है कि नौ आवास के लिए घर है, जब पानी बारिश होते होता था तब इधर से उधर भटकते हैं। उसके लिए दूसरा नंबर इतना पूरा तौ में चपाकल हमारा ठीक नहीं हुआ है, सबको सबका मुखिया चपाकल ठीक करवाया, ई तो चपाकल में क्या हुआ था, मुखिया को बार बार कहा है लेकिन मुखिया कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक बार दिखाइए अंदर जाके घर का, आइए आके देख लीजिए। इधर पानी छूता है, देखिए उधर कपड़ा गिर गया है, इधर घर गिर गया है, अंदर देख लीजिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो आप लोग देख नजर से देख लीजिए, इसमें किधर माल रखेंगे, किधर आदमी रहेंगे, 6-7 परिवार हैं, 2 माल जाल है, न तो गौशाला मिला हमको। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हरेंद्र साह। आप लोग शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत बार बार करते हैं लेकिन सुनबे नहीं करता है। मुखिया ये बोलता है कि वोट दीजिए, इलेक्शन जीतेंगे, आपका घर पहले होगा। 3 इलेक्शन जिताए, अभी तक मेरा घर द्वार कुछ नहीं, इंदिरा आवास हुआ न गैस सेट हुआ आज तक। तो बोले ना मुखिया जी को, उसको कागज तीनों बार कहाँ कागज चला गया नहीं चला गया, बोलता अभरी हो जाएगा, फिर बोलता अभरी हो जाएगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। पैसा का क्या मांग रहता है मुखिया जी की ओर से? मुखिया जी पैसा दलाल मांगता है, मुखिया नहीं मांग रहा हमरे से, मुखिया से मांग। अगर मुखिया मांगेगा ना तब तो ऐसा आदमी से भिड़ाते हैं ले जाके, वो उसको बोलता है इनसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन दलाल हमसे मांगता है, हम दलाल को आज तक पैसा नहीं दिए। कितना पैसा मांगा जाता है? 20 हज़ार मांगता है दलाल कि पैसा दीजिए तब आपका होगा। अच्छा, यही घर है आपका? यही घर है, देख लीजिए। कि दिन भर रहने का जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है, खड़ा रहते हैं, पन्नी ओढ़ कर रहते हैं, और क्या बोलेंगे आप, पन्नी 10-20 मीटर रखते हैं स्टाल आके, सामान सब ढकते हैं, अनाज पानी थोड़ा बहुत जो है ढक के रखते हैं वर्षा से, और इतना मामूसी का थोड़ा बहुत 2-4 जो बकरी है बैठने को उसको जगह निकाल चूता है, वर्षा कितना पानी पानी आया, अंधर तूफान आया पन्नी फाड़ देता है, साल में 3 पन्नी देते हैं, कितना पन्नी देंगे गरीब आदमी। समस्या इसमें जितना भी ईटा लगा है गाय सेट में सारा ईटा हम दिए हैं, पैसा तक भी दिए हैं ईटा खरीदने का वार्ड को। आपका योजना में नाम आया था? हाँ, नाम आया था। क्या बोले? नाम आया था, वो लोग बात बनाने वक्त भी वो 2100 रुपया करके लिया था बनाने के टाइम पैसा आपसे रिंकुआ लिया था पैसा,
कौन है रिंकू? रिंकू मंडल। कौन है रिंकू मंडल? मांझी। कौन है रिंकू मांझी? मांझी उसी का मुखिया का दलाल है। कितना पैसा लिया था? 2100 रुपया लिया था बनाने के टाइम। बनाने के टाइम में आई, उसके बाद फिर जो ईटा बोला कि नहीं ईटा गिर बनाओ, ईटा गिराने के लिए भी पैसा हम ही दिए थे। मतलब ये जो योजना हुआ है गाय सेट का, टोटल पैसा आप अपना घर से खर्चा किए? घर से किए हैं। वो खाली सिर्फ सुन लीजिए, ये चदरा दिया है और सीमेंट दिया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये जो पाइप है पतला वाला लोहा दिया, लोहा वाला बस, और कुछ नहीं दिया। योजना कंप्लीट हो गया आपका? वही कंप्लीट होने नहीं, 1,40,000 का योजना है। कंप्लीट कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पैसा मिला आपको? पैसा नहीं मिला। क्या बोलते हैं? कथा खत्म हो गया काम। इन आरोपों के एवज में जब हमने वर्तमान मुखिया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति के तहत विपक्ष द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप हैं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। और जहां तक आवास की बात है, विभाग के द्वारा ही आवास के लिए पैसे अभी सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहां से आवास लोगों को सैंक्शन कराऊंगा? मैं 3 बार मुखिया बना हूं और लगातार लोगों के लिए हर दुख सुख में खड़ा रहता हूं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये दुश्मनी में मेरे खिलाफ रची गई साजिश है। साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को खारिज करते मुखिया ने ये बातें कही हैं। इसके बावजूद भी ये विभागीय जांच का विषय है और संपूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होकर तमाम चीज़ों को सामने लाकर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विभाग साथ ही शीर्ष के अधिकारियों से ये निवेदन होगा कि इस खबर को देखने के बाद इन तमाम बिंदुओं पर आप गहन रूप से जांच करें, उसके बाद जो निष्कर्ष है वो निकालें और जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।